हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो है यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने समाधान किया था। डियर स्टूडेंट, जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देखिएगा डियर स्टूडेंट। और आज की लेक्चर यूनिट 2 से है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 99% बोर्ड पेपर से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट, आज उनको हम लोग समाधान करते हैं। तो आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या होता है। तो हमने पढ़ा है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व को जे से व्यक्त करते हैं, जे बराबर आई अपान ए होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का मान, किसी भी क्षेत्र पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। जे इक्वल टू आई अपान ए आ गया डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, ठीक, अब आई वहां प्रवाहित होने वाली धारा है, आई और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है एन स्मॉल एन ई ए वी डी। ए क्या है, क्षेत्रफल है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन, वी डी अपवाह वेग होता है। ये मान यहाँ पर रख दें एन ई ए वी डी अपान ए, ए ए से कैंसिल, तो जे इक्वल टू कितना आ गया एन ई वी डी, यानी अपवाह वेग और धारा घनत्व में जो संबंध होता है वो एन ई इंटू वी डी के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट आप मिला सकते हैं, ना तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 में जो भी मैच कर रहा होगा तो आप देखने को पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 आपके उत्तर से मैच कर रहा है, यानी धारा और अपवाह वेग में संबंध ये हो गया। डियर स्टूडेंट आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार कक्षा में इतनी चक्कर प्रति सेकंड घूमता है। चले उसको भी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कर रहा है कि कोई ये इलेक्ट्रॉन है जो कि वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण लगा रहा है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं, और जब आवेश गति करता है तो गति के कारण वहाँ धारा उत्पन्न होती है। भाई साहब वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अभी एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये एक सेकंड में इतना चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर नहीं, दो चक्कर नहीं, 6×10^15 चक्कर लगा रहे हैं एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रहे हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ दिया गया है कि कितनी बार ये चक्कर लगा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए आवेशित कण के कारण उत्पन्न धारा आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आई इक्वल टू आवेश का परिमाण, आवेश कौन है, ई इलेक्ट्रॉन, इंटू कितने चक्कर प्रति सेकंड घूम रहा है। तो ई का मान क्या है, ई का मान आप जानते हैं 1.6×10^-19, और एफ का मान कितना है, 6×10^15, 16×96, तो 9.6 और 19 में से 15 घटा दिए प्यारे बच्चों, 10^-4 आ गए। तो आप मिला सकते हैं, अभी तक आपको ऐसा कोई आंसर नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी आपके विकल्प में ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया गया डियर स्टूडेंट, पर अगर आप देखेंगे, अगर इस चार को, इस पॉइंट को इधर लेके चले आए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को इधर की तरफ लेके चले आए, तो इसको हम जरूर लिख सकते हैं 0.96, और जब एक अंक इधर लेके आए तो वो पावर क्या हो गया, एक को बढ़ गए, 10^-5 हो गए, और हम 10^-5 को लिख सकते हैं 0.6 मिली एम्पियर। तो आप मिला सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, 0.96 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध की बीमा है,
प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता देते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे ये धारा रास्ता पकड़ के जा रही थी, सड़क पकड़ के थोड़ी जाएगी धारा, धारा किसी चालक में चलती, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो अगर आप चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर दिए तो रुकावट ही क्या कहलाता, प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। अब ये का पूछ रहे हैं, प्रतिरोध की बीमा, किसकी बीमा, प्रतिरोध की बीमा। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर पढ़े हो, I को इधर कर दीजिए तो V अपान I बराबर कितना आ गया, R आ गया। अब V की बीमा रख दीजिए, I की बीमा रख दीजिए। डियर स्टूडेंट, V की बीमा नहीं पता तो V क्या है, यहाँ W अपान Q है, W अपान क्या है, Q, और इंटू क्या है, I है बराबर R। W क्या है, वर्क है, कार्य है, तो कार्य की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। और Q आवेश है, आवेश की बीमा ए टी। और I क्या होती है, I धारा है जिसकी बीमा A हो जाएगी बराबर R। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते होंगे कि आप इसको हल करेंगे आगे की तरफ तो M ऊपर है तो M आपका ऊपर ही रहेगा। अब ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर रहेगा। अब ये पावर टी के पावर एक है, ऊपर जाएगा, टी के पावर माइनस एक हो जाएंगे, माइनस दो और माइनस एक मिलके टी के पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो ए के पावर माइनस टू बराबर आर। यानी आर की बीमा क्या आ जाएगी, एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपसे मिल रहे हैं, जी बिल्कुल, वो ऑप्शन नंबर क्या है, तीन है, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। डियर स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है या विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, रो बराबर होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे एकांक लंबाई, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, R इंटू ए बटे एल। ठीक प्यारे बच्चों, अब R, R का मात्रक आप जानते हो, R क्या है, प्रतिरोध है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। और A, A क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, यानी ओम मीटर आ जाएंगे, किसके मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार आपका सही है। अगला क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब हैं जिनको 220 वोल्ट के लाइन से जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, 220 वोल्ट के लाइन से जोड़ देते हैं। यानी एक ये जो 40 वाट है, वाट इसकी क्या है, शक्ति है, तो P1 इक्वल टू 40 वाट, क्या है, 40 वाट। और P2 इक्वल टू 60 वाट, कितना है, 60 वाट है। दो बल्ब को 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। आगे कह रहा है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, आप जानते हैं P1 इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, क्या हो जाएगा, V इंटू आई, यहाँ क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे ध्यान से समझिएगा, या आप I ही मान के चलिए, तो क्या आ जाएगा, V बराबर V, यहाँ जो I है आई को हम लोग बदल देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, वी इंटू वी बराबर आर, यानी पी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर वन। ठीक, ये हो गए। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, पी टू, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, पी टू का भी मान आएगा,
पी टू का मान कितना आएगा, पी टू बराबर भी वी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, आर टू। अब ध्यान से समझिए, आपको क्या पूछ रहा है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात, यानी ये P1 और P2 को भाग दे देते हैं समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो। डियर स्टूडेंट फिर से पुनः हम लोग पीछे आते हैं, P1 इक्वल टू P इक्वल टू या P1 इक्वल टू V इंटू आई आपने पढ़ा है, आई हमको नहीं पता, आई को हम लोग बदल देते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आर यहाँ रख देंगे तो वी स्क्वायर इंटू आर। जिस प्रकार P1 का मान आया उसी प्रकार P2 का भी मान आ जाएगा। अब हमको प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है तो समीकरण एक बटे क्या कर देंगे, दो, तो समीकरण एक बटे समीकरण दो, तो ये P1 बटे कितना आ जाएगा P2, और यहाँ क्या आ जाएगा V स्क्वायर बटे R1, फिर V स्क्वायर बटे R2, R V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, R2 पहुँच गए ऊपर, तो क्या मिल गए P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1। अब P1 का मान कितना है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते होंगे P1 का मान कितना है 40 है, कितना है 40, और P2 का मान 60 है, R2 बटे R1, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दुना 4 3 दुनी 6, R1 बटे R2 चाहिए, तो ये तीन ऊपर चले जाएंगे दो नीचे बराबर 3:2, तो आप मिला सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आपका R1 और R2 का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी, 5 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोधों का मान, कोई कार्बन प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोध का मान 24×10^6 प्लस माइनस 5% बाएं से दाएं दिशा की ओर पट्टियों का रंग है, यानी आप बाएं कोई कार्बन की पट्टी है और उस पे आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तब के प्रतिरोध का मान दिया गया है। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत समझ लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसका जवाब हम लोग पता करते हैं कि कार्बन प्रतिरोधों के, तो ध्यान से समझिएगा, जो ये दो होता है वो लाल रंग के पट्टी के लिए उपयोग किया जाता है, लाल रंग की पट्टियों के लिए दो का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में सबसे पहले लाल दिया गया, क्या इन दोनों में लाल दिया गया है, नहीं, तो लाल इसके लिए हो गया डियर स्टूडेंट। आगे जो ये चार होता है वो चार पीला पट्टी के लिए दिया जाता है, तो चार जो है पीला पट्टी के लिए हो गए, यानी और जो पांच है वो नीला के लिए होता है, और जो 10^6 है वो गोल्डन के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, किसी बल्ब में प्रवाहित धारा एक प्रवाहित होने वाली धारा में 1% परिवर्तन करते हैं, यानी जो पहले से धारा बह रही थी उसमें हम लोगों ने 1% परिवर्तन कर दिया, 1% बढ़ा दिए, तो इसके शक्ति में क्या परिवर्तन होगी। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट, किसी बल्ब में प्रवाहित धारा में 1% परिवर्तन करते हैं, तो धारा परिवर्तन करने में शक्ति में क्या परिवर्तन होता है, तो शक्ति में जो परिवर्तन होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है, शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा 2×धारा में परिवर्तन, कितना होगा 2×धारा में वृद्धि। तो प्यारे बच्चों अब धारा में वृद्धि कितनी है, 2×धारा में वृद्धि 1% है, तो कितना हो जाएगा शक्ति में परिवर्तन, कितनी हो जाएगा शक्ति में परिवर्तन, कितना हो जाएगा 2% डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार सातवां क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। अगला आठवां नंबर प्यारे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम, तो सबसे पहले किरचॉफ का धारा नियम है क्या, किरचॉफ का धारा नियम संधि नियम, किरचॉफ ने अपने नियम में बताया कि किसी भी संधि से दूर जाने वाली संधि के समीप आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, समेशन आई इक्वल टू जीरो। वो जो किरचॉफ का धारा वाला नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है या किस सिद्धांत के स्वरूप है, यही आपका क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों वो जो किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है,
आवेश के सिद्धांत पर, आवेश के संचरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला कह रहा है किरचाप के प्रथम और द्वितीय नियम सिद्ध करता है किस नियम, या किरचाप ऐसे भी इसको कह सकते हैं किरचाप का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो किरचाप का जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम होता है, आपने पढ़ा किरचाप का प्रथम नियम आवेश पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। अगला है मीटर सेतु का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। तो मीटर सेतु का जो तार होता है वो लोहे कॉपर स्टील का नहीं बना होता, किसका बना होता है, मैग्नीन या कोयरा का बना होता है। प्यारे बच्चों आगे ध्यान से समझिएगा, ये जो मैग्नीन मीटर सेतु के जो तार बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, मैग्नीन के बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लास्ट विश यही है डियर स्टूडेंट कि जम के मेहनत कीजिएगा, और इंटर की जो फिजिक्स यानी ऑल सब्जेक्ट में आप 80-85% के लिए ज़रूर प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट।